हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिनीता और ये मैं एक छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ। इस ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी मैं और मेरा फैमिली दिवाली का पहले का दिन और दिवाली का दिन कैसे कैसे इंजॉय किए, क्या क्या मस्तियाँ और क्या क्या मज़ा किया हमने। ये सारा चीज़ को मैं दिखाने के लिए एक छोटा सा ब्लॉग मैंने बनाया है। मैं कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर तो वैसे नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक छोटा सा कोशिश है। मुझे थोड़ा लगा कि मैं थोड़ा डिफरेंट कुछ ट्राई करती हूँ, इसलिए ऐसा एक ब्लॉग मैंने बनाया है। चलिए देखते हैं कैसा ब्लॉग है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं। छोटी दिवाली का दिन सुबह सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे पटाखा खरीदने के लिए। ये वो जगह है जहाँ पे पटाखा मैन्युफैक्चर होता है। ये हमारा घर से काफ़ी दूर था, लेकिन जाके अच्छा लगा, बहुत सारा पटाखा हमने खरीद लिया। फिर मैं मेरे मम्मी के साथ आ गई थोड़ा सा ज्वेलरी शॉपिंग करने के लिए। धनतेरस का टाइम था तो थोड़ा डिस्काउंट भी चल रहा था। ये वाला ज्वेलरी सेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा आप बताइएगा। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड हूँ इसको लेके। फिर फाइनली मैंने एक फिंगर रिंग परचेस किया। ये वाला फिंगर रिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसके बारे में भी आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये वाला फिंगर रिंग। फिर हम लोग आ गए घर और चतुर्दशी का दिन था तो मैं दिया रेडी करने के लिए बैठ गई। काफ़ी सारा दिया रेडी किया। एक्चुअली चतुर्दशी का दिन हम लोग को 14 दिया घर के अंदर घर के कोने कोने में लगाना होता है, तो उसके लिए मैं दिया रेडी कर रही थी। दिया रेडी ऑलमोस्ट हो चुका था, उसके बाद मैंने घर के कोने कोने में दिया लगाना स्टार्ट किया। तो ये वाला भी एक बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आता है मन के अंदर। एक पूरा रूम को ऐसे दिया से सजाना बहुत सुंदर लगता है। फिर हम लोग गए थे एक रेस्टोरेंट में, ये वाला रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा था। दोस्तों के साथ हम लोग गए थे यहाँ पे डिनर करने के लिए। छोटी दिवाली के दिन डिनर करने के लिए ये वाला रेस्टोरेंट में हम लोग आए थे। एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था रेस्टोरेंट का, हम लोगों को अच्छा लगा, इन्जॉय किए छोटी दिवाली का शाम। खाना भी अच्छा था, क्विजिन था यहाँ का कॉन्टिनेंटल, तो बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद ऐसे हम लोगों का छोटी दिवाली का शाम ऐसे ही ख़त्म हुआ, खाना पीना मस्ती मज़ा के साथ। उसके बाद नेक्स्ट डे बहुत बड़ा दिन है, दिवाली का दिन। तो ऐसे हम लोग का छोटी दिवाली ख़त्म हुआ और दिवाली का दिन जस्ट स्टार्ट ही होने वाला था। और ये देखिए, ये रेस्टोरेंट में बहुत सुंदर सा रंगोली बना हुआ है, गणेश जी का मूर्ति है। और ये हम लोग दिवाली के दिन सुबह सुबह एकदम रेडी होके आ गए थे मंदिर में भगवान जी का दर्शन करने के लिए। लेकिन इस टाइम पे मंदिर का दरवाज़ा खुला नहीं था, कीर्तन हो रहा था, तो हमने माथा टेका। फिर हम लोग निकल गए, थोड़ा सा हमने मिठाई वगैरह ख़रीदा था। तो हमने चारों मंदिर पहले गए, सब जगह जाके मिठाइयाँ और समोसा ये सब मैंने थोड़ा बहुत मैंने बांटा, मुझे अच्छा लगता है। तो सारा वीडियो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, पॉसिबल नहीं था क्योंकि उस टाइम हाथ में इतना सारा कुछ था तो वीडियो कैप्चर करना पॉसिबल नहीं था। उसके बाद मैंने गाड़ी रोका, देखा एक जगह पे काफ़ी सारे बच्चे खड़े हुए हैं, तो वहाँ पे मैंने गाड़ी रोक के उन सारे बच्चों में भी मैंने मिठाइयाँ सब बांटी, खुशियाँ बांटी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बच्चों ने भी हैप्पी दिवाली विश किया, फिर उनकी मम्मियाँ दादियाँ वो लोग भी आ गई, तो जितना जो पॉसिबल हुआ मैंने खुशियाँ बांटी सब लोगों में, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे दिन का शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव था। फिर हम लोग अपार्टमेंट में आ गए, हमारे अपार्टमेंट में जो हमारे सिक्योरिटी भैया है, हमारी जो हाउस हेल्प है, और सब लोगों को हमने थोड़ा सा चॉकलेट वगैरह बांटी। फिर हम लोग आ गए लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में, ये वाला भी बहुत अच्छा था, इसके सामने का गार्डन काफ़ी सुंदर था। फिर रेस्टोरेंट में हम लोग चले गए, इसका एम्बियंस भी बहुत सुंदर था और ऊपर से वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था, तो वो भी हम लोग बैठ के देखे और उसके साथ फैमिली टाइम इन्जॉय किए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अच्छा खाना भी हम लोग खाए, इधर का क्विजिन भी कॉन्टिनेंटल था। एक्चुअली मेरी बेटी को कॉन्टिनेंटल ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम लोग भी कॉन्टिनेंटल खाने चले गए थे। तो ऐसे लंच हमने इन्जॉय किया। फिर मैं आगे घर आके रंगोली बनाने के लिए बैठ गई। तो ज़्यादा टाइम हाथ में नहीं था,
और फटाफट रंगोली बनाना था। मेरा रंगोली का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि बंगाली में हम लोग नॉर्मली कोई भी पूजा के पहले आलपोना देते हैं, रंगोली उतना नहीं देते हैं। लेकिन इस बार मैंने रंगोली ट्राई किया। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम हाथ में कम था और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा नहीं था, तो मैंने कोशिश किया, एक छोटा सा रंगोली बनाया मैंने। आप लोग देखिएगा, बताइएगा रंगोली कैसा हुआ मेरा। फिर मैंने दिया जला के उसको डेकोरेट किया था। ये है उसका आफ्टर डेकोरेशन, ऐसा लग रहा था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा बना ये रंगोली। और मैंने रंगोली बनाया था और मेरी एक बच्ची है 12 साल की जो कि क्लास 7 में पढ़ती है, उसने भी एक प्यारा सा रंगोली बनाया था। मैं वीडियो में आगे उसका रंगोली भी दिखाऊंगी, बहुत प्यारा रंगोली उसने भी बनाया था। फिर मैं अभी दिखा रही हूँ हमारा ये अपार्टमेंट, बहुत सुंदर तरीके से अपार्टमेंट को जैसे नए नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया था, पूरा लाइट से बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेशन हुआ था। सभी लोग इंजॉय कर रहे थे अपार्टमेंट के, पटाखे फोड़ रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे। तो दिवाली का एक शाम, ये जो शाम है इसका एक फीलिंग ही कुछ अलग होता है, एकदम जादू की तरह बहुत सुंदर लगता है। साल में एक ही दिन आता है ऐसा एक दिन इंजॉय करने के लिए। और ये वो जगह था जहाँ पे हम लोग पटाखा फोड़ रहे थे, तो यहाँ पे सब लोग मिलके पटाखा फोड़े। फिर जस्ट पटाखा फोड़ना स्टार्ट ही हुआ, फिर मैं थोड़ा रूम में आई थी तो मुझे लगा कि एक बार रूम का भी, मैं हमारा फ्लैट का जो थोड़ा बहुत डेकोरेशन हमने लाइट से किया था वो भी आप लोगों को एक बार दिखा दूँ। तो ये छोटा मोटा थोड़ा सा लाइट का डेकोरेशन हमने किया। तो ये जो रंगोली है ये मेरी बेटी ने बनाया है, छोटी सी बच्ची है लेकिन मुझे लग रहा है कि काफ़ी प्यारा रंगोली उसने भी बनाया है। ये हमारे गणेश जी है, तो इस टाइप का डेकोरेशन हमने किया, लाइट का छोटा मोटा डेकोरेशन हमारे रूम में। फिर मैं चली गई पटाखा फोड़ने के लिए। ये वाला पार्ट मैं दिवाली का काफ़ी इंजॉय करती हूँ। वैसे मुझे पटाखा फोड़ना पर्सनली, ये लाइट का जो फेस्टिवल है मैं काफ़ी इंजॉय करती हूँ, तो मैं काफ़ी पार्टिसिपेट भी करती हूँ इसमें। तो ऐसे ये शाम हमने पटाखों के साथ, बच्चों के साथ, सब लोगों के साथ, दोस्तों के साथ अच्छे से दिवाली मनाया, अच्छे से दिवाली इंजॉय किया, सेफली एकदम दिवाली हमने मनाया। तो ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग, दिवाली हमने कैसे दिवाली सेलिब्रेट किया उसके ऊपर। तो ये मेरा एकदम फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मेरा कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है ब्लॉग बनाने के ऊपर। तो इस टाइप का ब्लॉग अगर मेरा आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर।